आदाब एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो उससे रेसिपी बताने से पहले, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। ये आज जो रेसिपी है वो शक्करकंदी के रोस्टेड स्वीट पोटैटो बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। तो उसके लिए हमने शक्करकंदी ले ली है, उसको मैंने अच्छे से धो के रख लिया है। अब सारा पानी निकल चुका है। ये देखिए, मैंने रोटी पकाने वाला जो तवा होता है वो ले लिया है, उसमें कर लिया। अगर आपके पास बर्तन है, कोई भी बर्तन है, आप वो ले लीजिएगा। कढ़ाई में करना चाहे कढ़ाई में कर लीजिएगा। और इसको फ्लेम को जो है मीडियम लो कर देंगे। अब इसमें एक एक करके हम शक्करकंदी रखते जाएंगे। अच्छा, अगर जिनके पास ओवन नहीं है, मैं उनको ये बता रही हूँ कि वो इस तरह चूल्हे पे तवा रख के या कोई भी बर्तन रख के, पतीला रख के बना सकते हैं आराम से। तो ये आप देख लीजिए, इस तरह रखेंगे हम एक एक करके। और अब इसे हम ढक देंगे। ये हम इसे ढक रहे हैं। और एक और बात, इसे बार बार पलटते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद पलट पलट के देखेंगे। हमने इसे ढक दिया है, अब हम इसे खोलेंगे, जैसे देखेंगे ये साइड अभी नहीं हुई है, तो फिर हम इसे पलटेंगे। ये साइड हो गई है, पलट दिया हमने, ये भी हो गया है। अब हम इसे इस साइड से पलटेंगे, इसको भी पलटेंगे। नीचे से हो गई हैं, आपको दिख रही हैं, ये भी हो गई हैं। आप इसे पलट देंगे, ये हम खोल रहे हैं। अब हम चिमटे की मदद से या आप चम्मच की मदद से देख लें। जी, ये मेरी हो चुकी हैं अच्छी खासी, पलट के भी देख लेती हूँ मैं। जी, ये हो चुकी है, ये तो हो गई है बिल्कुल, ये भी हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए, मैंने डिश आउट कर ली हैं ये, और ये शक्करकंदियाँ हो चुकी हैं हमारी, बड़ी ज़बरदस्त सी पक चुकी हैं। अब मैं एक में कट लगाऊंगी और फिर मसाला डालेंगे। ये देखिए, मैं कट लगा रही हूँ, ये काट दिए बीच से। ये देखिए, कट लगा के, मैं सिर्फ एक काट के आपको दिखा दे रही हूँ सारी। ये देखिए, सारी हो चुकी है अंदर से। अब इस पे मैं मसाला छिड़कूंगी। ये देखें कैसी भाप निकल रही है, ये हमने मिर्ची छिड़क दी। अगर आपके पास चाट मसाला है तो आप चाट मसाला डालें। ये अब हम नमक डालेंगे, और चाट मसाला डालना चाहें चाट मसाला डालें। ये देखें, मज़ेदार सी शक्करकंदी हमारी भुन चुकी है, यानी कि रोस्टेड स्वीट पोटैटो रेडी हो गई है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने आज आपको शक्करकंदी भूनना सिखाई थी। और इस रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की आपको रेसिपी कैसी लगी। शक्करकंदी विदाउट ओवन बनाई है मैंने, क्योंकि जिन लोगों के पास ओवन नहीं होता तो वो लोग परेशान होते हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आसानी से तरीका आपको बता दिया है। तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शक्करकंदी का ये रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिएगा।